दिनांक 28/2/2024 को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा विकास भवन के सभागार में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। सावकाओं का प्रमोशन किया गया। इस मौके पर विधायक व CDO आकांक्षा राणा, DPO जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री जयस कुमार, CDPO आशीष कुमार, CDPO अनिल दत्तात्रेय व सुपरवाइजर व सहायिकाएं और आंगनबाड़ी उपस्थित रहीं। इस मौके पर लखनऊ द्वारा निदेशालय से मुख्यमंत्री द्वारा लाइव टेलीकास्ट भी चलाया गया व सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं व अधिकारियों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बधाई दी व उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की गई। राकेश कुमारी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवनीश शर्मा। मैम, ये किस प्रकार के आज इनको नियुक्ति पत्र दिए गए? आज जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, ये काफ़ी समय से लोगों का इंतजार था कि इनकी पर प्रमोशन हो। आज माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, हमारे जो पुष्टाहार मंत्री हैं देवी महोदय द्वारा, हैं प्रतिभा शुक्ला मैडम द्वारा, इनको नियुक्ति पत्र लखनऊ में वितरण किए गए हैं और उन्हीं के आज हम लोगों ने भी इनको नियुक्ति पत्र वितरण करवाए हैं। ये बहुत खुश हैं सदन की बात है और हर आदमी को जब वो एक पोस्ट पर लगता है तो उम्मीद होती है कि मेरा प्रमोशन हो। उसी तरह ये लोग काफ़ी सालों से उम्मीद कर रहे थे, जो आज इनकी उम्मीद हो रही है और ये सुनी तो बहुत खुश है। बहुत अच्छा। ये बताइए, आज आपको ये नियुक्ति पत्र किस चीज़ के मिले हैं और ऐसे पागर आपको कैसा लग रहा है? दिखाओ चला। क्या लेटर मिला? अच्छा, तो आपको ये कितने साल बाद आज सफलता मिली है? 12 साल बाद आपका प्रमोशन हुआ है, कैसा लगा? आपका नाम? अच्छा, आप बताइए। मेरा मधु शर्मा। क्या नाम है आपका? मधु शर्मा। ये आपको 13 साल बाद मिला नियुक्ति पत्र, यानी प्रमोशन हुआ है आपको आंगनवाड़ी पद पर। जी हाँ। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल बाद मिला है? ये 13वीं साल चल रही है मुझको। तो फिर ये तो बहुत खुशी की, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से इंतजार था इस चीज़ का। आप कहाँ से? जी मैं ज्वालापुरी से। ज्वालापुरी से जी। ठीक।